चलो ऑनलाइन एक आ रही है आज। आज लगता मैच नहीं होना, इस वजह से सारे क्लास में आ गए। सर जी मैं मैच देखते ही नहीं, टेंशन ही करता हूँ। मैं रात को सुकून से 9 बजे खबरें सुन लेता हूँ कि कौन जीता है कौन हारा है, वो 1 मिनट में पता चल जाता है। करते हाँ टाइम नहीं है ना, 8 घंटों में अच्छा खासा ना। मेरे पास ना क्लाइंट बहुत ज्यादा है, बस इतना काम हुआ होता है कि मेरा समय ले 1 घंटा भी मैंने जाना तो मुझे 4 घंटे पहले सोचना पड़ता है कि मैंने जाना किधर है। हैं आपको जब 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको इन चीजों की समझ फिर आएगी। अच्छा इस लेवल तक काम कर लिया ये जो किया हुआ है यहाँ पे पहले, इस लेवल तक काम कर लिए। कितने दिन थे आप लोगों के पास? वो फिर इसमें डाटा नहीं होना हमारे पास, मसला ही मसला।
अपडेट के लिए आपके पास पुट का मेथड होता है, यहाँ पे उसी तरह आपने कोई ना कोई एक पाथ बनाना है, अपडेट यूजर कर लें, अपडेट यूजर, और चूंकि आपने स्पेसिफिक को करना है तो उसको डायनेमिक भी बना लें, उसकी आईडी भी बना लें, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस ले लें। ये नेक्स्ट एक दो क्लासों में ये जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं ना सारी, ये वाली, ये सारी अलग अलग फोल्डर्स में चली जाएंगी। राउट्स का अलग बन जाएगा, मॉडल्स का अलग बन जाएगा, कंट्रोलर्स का अलग बन जाएगा, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा। वो मैं अभी जानबूझ के उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्टार्टिंग लेवल पे नहीं कर रहा, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आना। इधर बेसिक तरीकाकार होता है, एमवीसी पैटर्न फॉलो होता है बैकएंड पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे चूंकि वो एमवीसी वाला तो नहीं होता, यहाँ पे फिर मॉडल बनते हैं, राउटर बनते हैं और कंट्रोलर्स बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर मिडल वेयर्स के फोल्डर आ जाएंगे, हेल्पर्स के फोल्डर आ जाएंगे। अभी हमने इमेज नहीं पढ़ी, देखें अभी मैं इमेज इसके अंदर अपलोड नहीं कर रहा, अभी सिंपल सिंपल डाटा। इमेज के लिए एक प्रॉपर लाइब्रेरी है मल्टर की, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। फिर जो अभी पासवर्ड है, अभी जानबूझ के टेक्स्ट रखा हुआ है, फिर इसको हैश करना है। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निक आगे आएंगी, एटलीस्ट आपको ये बेसिक लेवल कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी आपके पास काम आए, आप इतना भी अगर आपको काम आता है तो आप 50-70% प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन ना हो। मतलब हर चीज़ में तो ऑथेंटिकेशन ही ना होती, कई सिर्फ ऐसे होते हैं यार डाटा अपलोड करो और फ्रंट एंड पे आ जाए, कोई डाटा देखे हम फ्रंट बैक एंड से ऐड कर रहे हैं और फ्रंट एंड पे आ रहा है। नहीं जी, इसके लिए अब यहाँ पे मैं कोई भी आईडी पास करूँगा तो मेरा डाटा पड़ा हुआ है यूजर के अंदर। इसका मेथड होता है यूजर डॉट अपडेट वन, अपडेट वन। एक रिकॉर्ड को मैंने जिस पे क्लिक की, ऑब्वियसली मैंने उसी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड या अपडेट करनी है। सो उसको अपडेट कैसे करूँगा मैं यहाँ पे? अब पहले आप पढ़ते थे कि सिर्फ आपने सिंपल एक तरीका पढ़ा हुआ था ये वाला, कि आप उसी आईडी को फाइंड करें और उसको ढूंढ लें। एक तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, ये तो करना ही करना है। किस रिकॉर्ड को ढूंढना है आपने? ये आईडी की बेस पे देखें, हमने ढूंढा भी हुआ है, ये देख। पहले तो आप वो रिकॉर्ड ढूंढेंगे जिसको आपने अपडेट करना है। ले जी, रिकॉर्ड मिल गया आपको। दूसरा, आप इसको अपडेट करना है। सो इसको अपडेट करने का तरीका कार है MongoDB में, सेट मेथड होता है इसका। अब उसके पास आपके पास दो चॉइसेस हैं आगे, यहाँ पे आके आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी कर दें, इसके अलावा कॉमे कौन से डाल दिए इसमें, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली नेम होगा, नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड। ये काम थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा लेंथी हो रहा है, जबकि अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी लेना चाहूँ तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सारी चीजें मिल जाती हैं, उसमें से आप जिस चीज को मर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो उसका बेटर हाल ये है, या तो आप ऐसे कर लें या सिंपल एक छोटा सा काम यहाँ पे कर दें, इसको पकड़ें, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे सिर्फ इतना कर दें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसका फायदा क्या होगा? पहले तो जिस आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे वही वाला रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल गया आपको। अब उसी रिकॉर्ड के हो सकता है, देखें यूजर का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है यूजर खाली एड्रेस में अपडेट करे और यहाँ पे अपडेट का बटन दबा दे। ये भी पॉसिबल है, वो कहे यार जवेद का ईमेल भी गलत लिखा है, ये भी अपडेट कर दूँ, एडमिन का पासवर्ड भी बदल दूँ, तीन प्रॉपर्टीज अपडेट कर दी, ये नहीं की, हो सकता है वो कहे यार मैं सिर्फ जो नाम है इसको अपडेट कर दूँ, एड्रेस की जरूरत नहीं है, जब नाम अपडेट होगा तो जीमेल, ये दो चीज़ें कर दूँ। क्योंकि हमें आइडिया नहीं कि उसने कौन सी गलती की और कौन सी प्रॉपर्टी अपडेट करना चाह रहा है। जिस प्रॉपर्टी को भी वो अपडेट करेगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सारा कुछ ही मिल जाएगा, इसका ये फायदा। अदरवाइज ये तरीका कर लें, ये भी ठीक है, फिर आपको ये 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने सबको बताया कि वो जिस प्रॉपर्टी को अपडेट करे उसी का डाटा सेट हो, ये मेथड है डॉलर साइन के साथ अपडेट करने का MongoDB में। आपको मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक दफा ना MongoDB का
जाके को 5-6 मेथड इसके जरूर देख ले, अपडेट रिकॉर्ड इन मोंगो डीबी। चलो और साथ लिख दें यूजिंग नोड जेएस। अच्छा ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कोडिंग थोड़ी सी पुरानी, बहरहाल ये देखें दिया हुआ है भी सेट। आपको ऑनलाइन जो रिसोर्सेज मिलेंगे ना वो काफी आउटडेटेड है, हो सकता है जो टेक्निक आप यहाँ पढ़ रहे हैं जब आप यूट्यूब पे या गूगल पे या गिटहब पे देखें तो आप कहें सर ने तो हमें पता नहीं क्या करवाया। अब देखें मैंने सेव के लिए सिंपल सेव करवा दिया, आपको हो सकता है नेट पे क्रिएट का मेथड भी मिले, तो कहते हैं पता नहीं ये क्रिएट पुराना तरीका है, अब नई चीजें आ गई हैं। उसके अलावा आपको मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन का बताया था, तो आप अगर वो वाला काम करेंगे तो उसकी जगह बॉडी पार्सर का डाटा आपको मिलेगा वहां पे, हो सकता है फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएं। सो बेहतर है कि आप लेटेस्ट एक तो ये वाली टेक्निक साथ साथ करते रहें, हाँ अपने तौर पे अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसको कर लें, वो कोई मसला नहीं। अब देखें इंसर्ट मैनी, मैनी रिकॉर्ड एंटर करने, इंसर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। इसने कहा जी फाइंड एंड अपडेट, अच्छा उसने हमारे वाला ये देखें बनाया हुआ है, लेकिन वो कुछ और तरीके से कर रहा है। देखें पहले नाम ढूंढ रहा है, फिर उसको सेट कर रहा है एज के अंदर 30, ईमेल के अंदर नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिक कोई चीज एक सर्च कर रहा है। हम कर रहे हैं डायनेमिक, हमें थोड़ी पता कि उसने जवेद को ही क्लिक करनी है, पता नहीं किसको क्लिक कर दे, ये तो स्पेसिफिक है। उसने देखे ना राधिका नाम दिया हुआ है, इसी को वो ढूंढेगा और इसी को अपडेट करेगा। ये गेट का मेथड आ गया, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, पूरा ऑब्जेक्ट फाइंड करना, इधर इन्होंने क्या इधर भी सेट ही है, लेकिन ये कोई एक खास चीज कर रहे हैं, मतलब कोई डायनामिक डाटा नहीं कर रहे, वो उसको हार्ड कोडेड डाटा दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, मेथड बेसिकली बताना चाह रहा था कि मेथड सेट होता है किसी चीज को अपडेट करने के लिए, ये दो चीजों को जरा समझ ले कंफ्यूजन होगी। इसने काम ये करना है कि आपको वो डाटा दे देगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, जो भी डाटा आएगा, और ये वाली लाइन है जो आपका डाटा अपडेट करेगी, बस इतनी एपीआई। इसको एसिंक अवेट बना दें और इसको अवेट कर दें और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें यहाँ पे लेट डाटा। चलो और डाटा को ही मैं रिस्पॉन्स के हवाले कर देता हूँ, ये ले यहाँ पे जाता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड डाटा। अभी मेरे ख्याल में ये होगा, इसको वैसे चले इधर पढ़ा रहे थे, आपको हेल्प मिल जाएगी, बस यही वाली इसकी एपीआई पूरी होगी है। ये इतना काम ही है बैकएंड पे, अगर आपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। टेस्ट हम कैसे करेंगे, सर्वर हमारा आईपी एड्रेस है 5000 पे, ओके, और ये वाला मेरा राउट रहेगा, ओके, इसको देखते हैं 5000 अगर ये है और राउट मेरा ये वाला हो, और पुट कर ले मेथड यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे राउट चेंज कर दें, ये वाला राउट आपका आ जाएगा, कॉपी और यहाँ पे कर दें पेस्ट, और आईडी में कौन सी ढूंढता हूँ, यहाँ से मैं मोंगो डीबी में जाता हूँ, पता नहीं क्या डेटाबेस का क्या नाम रखा है हमने, डेटाबेस यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल ये आ रहा है। इसमें से मैं कोई भी रिकॉर्ड ढूंढता हूँ, आइए देखें जी मैं, चलो जवेद के रिकॉर्ड को ढूंढ लेते हैं, ये देखें इसको कॉपी करते हैं, ये मैंने उसकी आईडी पास कर दी। करना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं उसकी एक आध प्रॉपर्टी अपडेट करके देखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जवेद के अंदर उसका जो नाम दिया हुआ है वो खाली जवेद है, मैं चाहता हूँ इसको जवेद अख्तर कर दो, चलो नेम के अंदर मैं कहता हूँ उसको कर दो जवेद अख्तर, एक प्रॉपर्टी अपडेट कर रहा हूँ। अगर तो ये अपडेट हो जाती है, एक्नॉलेजमेंट ट्रू हो जाती है, इसका मतलब हमारी एपीआई प्रॉपर काम कर रही है, फिर बेशक आप चारों की चारों प्रॉपर्टी भी इसको अपडेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैं क्लिक करता हूँ सेंड, ये देखें उसने कह रही थी एक्नॉलेज ट्रू, इसका मैं मॉडिफाइड काउंट वन, मैच काउंट वन, पहले एक मैच हुआ उसको उसने मॉडिफाई कर दिया,
और एक्नॉलेज ट्रू से मतलब है आप जो काम करना चाह रहे हैं वो हो चुका है। ठीक है, अब जाके अगर इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ये जुवेद अख्तर हो चुका होगा। रिफ्रेश करें, ये देखें जुवेद अख्तर हो गया। बस अब सिंपल सा काम है, इसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करना है। बैकएंड का आपने एपीआई लिख दी, फ्रंट एंड पे अब आप लिख देंगे तो आपकी ये वाली एटलीस्ट एक पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे कोई डाउट है तो इस एपीआई में आप पूछ सकते हैं, इस लेवल तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आजकल कम आ रहे हैं या वैसे गर्मी बहुत ज्यादा, ऑनलाइन वालों को कौन सी गर्मी लगी हुई? हाँ ये भी सवाल है, वो पहले ही घर बैठे उनको क्या गर्मी लग रही है। फिजिकल वालों को तो वैसे ही चांस नहीं, बर्फ में बैठे हैं। मैंने तो उनको 2-3 दफा कहा सारी तरी मुझे ना अरफा में जगह ले लें। पर इधर लाइट ही नहीं जाती, इधर बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। क्या कह रहा है सुबह सुबह? हाँ जी, नहीं गर्मी देखने जा रहे हैं बाहर। यार वो किसी लड़के को भेजना, कोई ऑफिस बॉय खड़ा हो तो उसको भेजना कहीं से ढूंढ के। काम मुश्किल लग रहा है ना ये वाला, बैकएंड ज्यादा आसान है, मतलब मैं समझता हूँ फ्रंट एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हो सकता है आपका अपना ओपिनियन हो, लेकिन फ्रंट एंड ज्यादा आसान, बैकएंड ज्यादा आसान है। नहीं उसमें पता है क्या है, फ्रंट एंड पे आपको 18 चीजें सीखनी पड़ती हैं, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React और पता नहीं कितनी एनिमेशन की लाइब्रेरी। इधर सिर्फ आपने JavaScript सीखी, देखो कोई मैं और चीज यूज कर रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक ही लिखी। और ये पैसे भी ज्यादा लेते हैं, बैक एंड डेवलपर ज्यादा पैसे लेते हैं, फ्रंट एंड वाले से 2 गुना ज्यादा इनकी सैलरी होती है। पहले नंबर पे फुल स्टैक ही होती है। मिसाल है अगर हम 2 लाख को डिवाइड करें तो फुल स्टैक अगर 2 लाख ले रहा है तो बैक एंड वाला 1.5 लाख लेगा और फ्रंट एंड वाला 1 लाख लेगा, इतनी वेरिएशन है। सारा काम ही उसने करना है, सारी चाय पानी और चाय गैस, पानी पीने के लिए भी नहीं पिया है। कौन लेने गया वो आगे सर जी? मैं ना रात का सारी रात हॉस्पिटल में जागता ही रहा, तो मैं होश में आऊंगा तो मैं बच्चों को कोई और ना लॉजिक पढ़ा दूं, पीछे वाली भी कोडिंग गलत हो जाए। छोटी सी एक बड़ी तो ही है, नहीं खाली ही है भाई, उधर देख लो उधर पड़ी होंगी। चलो कितनी देर में आ जाएगा? चल ठीक है आ जाता। किधर चला गया? मैं कहता हूँ आ जाए तो अगर शुरू करें। इंटर्नशिप हमने नाइट में रखी थी, तो 3-4 में हमने लाइट में पहले काम करते रहे, लेकिन नाइट में एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। और उसमें थोड़ा सा ये मसला है, जैसे फीमेल है तो फीमेल नाइट में अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम करना वो इम्पॉसिबल है। तो फिर वो उन्होंने कहा जी हमारे साथ, मतलब हमें भी फिर अब देखें पाकिस्तान में तो वैसे ही खवातीन के लिए कई बिल पास हो गए, तो उन्होंने इधर भी अपना कह दिया हमारा हक हमें दें, तो वो इसलिए हमने वो सारा ही एक दफा कोलैप्स करके अब दिन में प्लान कर रहे हैं चीजों को। अदरवाइज वो डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर आ जाता है, वो कहते हैं जनाब लड़कों को क्यों दे रहे हैं। वो फीमेल ऑब्वियसली नाइट में नहीं काम कर सकती, लेकिन ये आप जहन में रखें जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है तो अगर अच्छे सॉफ्टवेयर उसको टारगेट करना है, उनका काम ही नाइट में होता है। जो इंटरनेशनल काम करते हैं वो होता ही नाइट में है। मैं जितने मैंने अगर फर्ज करो 5-7 में किया तो उसमें से 5 नाइट में ही थे, क्योंकि पाकिस्तानी पैसे बहुत काम देते हैं और वो जो आपके बाहर के यूरोप वाली साइड है वो तकरीबन 8 से 10 घंटों का फर्क है। अभी के लिए फिलहाल हो सकता है इसी वीक दोबारा स्टार्ट कर दें, लेकिन आप दिन में करेंगे।
वो ये जगह डिसाइड कर रहे हैं, अब वो पिंडी में एक ब्रांच और शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसलिए काफी और भी मुल्तान ब्रांच खोली है सर। एक यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे पता नहीं पैरेलल कितनी चीजें चलती रहती हैं, वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होती हैं चीजें, हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके कोर्स खत्म होने से पहले पहले हो जाएगा। और उसके अलावा वैसे भी मैं ग्रुप में उस दिन भी शेयर किया, मैंने आप में से किसी ने देखा 3500 जो जॉब आई हुई है, तो उस पर करें आप अगर ग्रेजुएट हैं, नहीं भी हैं तो अप्लाई करें। इतने रिएक्ट के डेवलपर कहाँ से मिलेंगे उनको, और जिसको काम आता है ना उसको इंटर्नशिप, कंपनी पेड इंटर्नशिप रखती, फ्री नहीं, पेड मिल जाते हैं। और खासकर रिएक्ट अगर आपको आता है तो आपको समझे बारे नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट फ्रंट एंड भी अगर आपकी ग्रिप अच्छी है ना तो फिर भी कोई मसला नहीं, लाजमी नहीं कि आप फुल स्टैक में ही काम स्टार्ट कर दें। फ्रंट एंड पे भी अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप एक अच्छा यानी एंट्री लेवल पे स्टार्ट अच्छा ले सकते हैं सारे। तो सर कोशिश करें जरा अपने ना प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हाथ फिट करें, और लिंक मुझे याद कराना। असल में ना मेरे पास इधर लिंक इकट्ठे पड़े नहीं होते, मेरे पास होते हैं वन बाय वन लिंक, मतलब आज क्लास पढ़ाई है वन बाय वन। अब फिर एक काम किया जा सकता है, मैं किसी एक को ऐड कर देता हूँ, वो आप वहां से डाउनलोड करके बस इन सिर्फ लिंक की कॉपी पेस्ट करनी है ना, तो बाकी कोई शेयर कर दें। लेटेस्ट बैच अभी चल रहा है वैसे जावास्क्रिप्ट का, पीएचपी इसकी चल रही है, तो जेक्यूरी डॉम जावास्क्रिप्ट 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 असाइनमेंट सीएसएस बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप, हाँ ये ठीक है, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉपर सही लेवल की ना मिल जाएगी सीएसएस। इसमें ऐड कर देता हूँ, कोई एक आप अपना ईमेल बता दें, कॉपी करके ना सबको खुद ही व्हाट्सएप में भेज देंगे, वो निकालोगे ना तो उसमें से लिंक मिल जाएंगे। सारी रात काम करना, जागना, फिर सुबह काम करना, ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और खास करके जो मंडे है ना वो जरा थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा वर्किंग डे हार्ड होता है, वो नहीं उसने आना है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो मुझे लगता है लंबा ही कहीं चला गया। चलें कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं इसका। हम किस पे काम कर रहे हैं, यूजर लिस्ट पे तो नहीं कर रहे, अपडेट पे। ओके, बाहर जाके तो नहीं ऑनलाइन हो गया ये, उधर बैठक में बैठा हो, नहीं बैठक बनाई भी है वही, फिर जाने की क्लास ज्वाइन कर ली। अच्छा जी, उस दिन हम ये वाला चीजें डिस्कस कर रहे थे आपस में, ये देखें इस पे क्लिक करें तो ये वाला जो कंपोनेंट है मैं इसको अपडेट करता हूँ, इधर मैं जो भी अपडेट करूँ इस बटन पे तो ये वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, यानी इस बटन के ऊपर। सो ये बटन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इस पे मैंने उस दिन खाली वैसे ही एक अलर्ट लगा के छोड़ दिया था इसको, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। इसके अंदर अब आपने लॉजिक लिखनी है रिकॉर्ड अपडेट करने की, क्योंकि बैकएंड पे हमने काम चेक कर लिया है, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। आप बेशक उसकी दो तीन प्रॉपर्टीज भी चेंज करके देख लें तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, वैसे तो अगर एक भी आपको परफेक्ट हो गया तो चाहे दो भी करेंगे कोई मसला, एंड वाली को बिलाल है ना तो इसको कॉपी करते हैं, बिलाल इसको यहाँ पे पेश कर दें, तेरा बड़ा है वो भी पहुंचा नहीं, चलो कोई नहीं, आगे उसको उसको गुनाह क्या हम कर सकते हैं। ये लें, ये देखें मैंने एक लिया, एक की फाइंड की यहाँ से, ये बिलाल है,
एक तो मैं इसका नाम अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी बिलाल की जगह कर दो बी कैपिटल कर दो, बिलाल अहमद कर दो, और साथ में उसकी एक ईमेल भी, नहीं ईमेल की भी है, पासवर्ड ही चलो बदल दो, एड्रेस बदल दो उसका, एड्रेस एड्रेस हमें वेरीफाई करना है ना। एड्रेस हम लिख देते हैं जी 123 DHA लाहौर लें जी, इसको मैं अपडेट करता हूँ, हो गया। इधर आगे चेक करते हैं क्या ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, ये देखिए बिलाल अहमद भी हो गया और एड्रेस भी, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का फायदा हो गया हमें। अब सिर्फ इसमें अब लॉजिक ही लिखनी है आपने, अब लॉजिक लिखनी है तो एटलीस्ट मुझे एक अदद वो बात भी चाहिए यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, इसको फिलहाल अभी मैं लिखता हूँ छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मुझे वो वाला पाथ चाहिए कि कौन से पाथ की मैंने एपीआई लिखी है, ये सारी मैं उठा लेता हूँ कॉपी और पेस्ट, ये इस चीज को जरा ध्यान से सुने, ये वाला काम जो है ये आपका डायनेमिक होगा, क्योंकि आईडी हमने वो वाली लेनी है जिस पे यूजर क्लिक करे। अब जिस पे यूजर क्लिक करे वो जाएगी आपके यूआरएल में, अब यूआरएल में से निकालना कैसे है, उस दिन भी ये देखें देखा था पैरामीटर पैरम्स के थ्रू। सो हम अगर यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर में से निकालना चाहता हूँ तो पैरम्स को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, देखें। सो इसी का फायदा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पैरम्स .IP, चलो इतना काम है। और यहाँ पे इसको फंक्शन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इधर अब आपने वो मेथड बताना है, मेथड आपका क्या है जी पुट, बॉडी के अंदर आप क्या चीजें भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, उसके अंदर नेम है आपका, नेम एड्रेस ईमेल पासवर्ड, नेम एड्रेस ईमेल पासवर्ड, लेकिन आपने ऐसे नहीं भेजना, इसको आपने जेसन में कन्वर्ट करके भेजना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में, इस तरह। अब ठीक है काम, और लास्ट ऑप्शन आपके पास बचती है हेडर, हेडर होता है या हेडर्स होता है, खाली हेडर होता है। इसके अंदर आपने इसकी कंटेंट टाइप बतानी है, ये देखिए उसने पहले ही लिख दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये आपने इस तरह जो भी डाटा भेजना होता है ना, जो आप टेस्टिंग करते हैं ना, ये देखिए ये जेसन में डाटा जा रहा होता है, तो आपने इसके हेडर्स, हेडर्स ये होते हैं जब आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो इनके हेडर्स चेंज होते हैं, इनकी शिनाख्त करने के लिए, कि ये ना हो गया आपको किसी अननोन सर्वर से रिक्वेस्ट आ जाए, फर्ज करे किसी हैकर ने रिक्वेस्ट भेज दी हो आपको और आप उसे एक्सेप्ट कर लें, और अगर आपने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फीचर रखी तो उसके हेडर आपस में वो इंटरलिंक नहीं करेंगे। बाद अब आपने अक्सर देखा होगा प्ले स्टोर पे या वेबसाइट खोलें तो फॉरन ही ऑप्शन आ जाती है एक्सेप्ट ऑल कुकीज, आप कुकीज एक्सेप्ट करते हैं वो आपके सिस्टम की एक्सेस उसके पास आ जाती है, वो आपके ब्राउजर के थ्रू आपके सिस्टम की काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर लेता है, ये नहीं कि आपके इंटरनल सिस्टम में चला जाता है, ब्राउजर के बिहेवियर कंट्रोल कर लेता है। अगर आपने लोकल स्टोरेज के अंदर कोई चीज़ रखी है, कुकीज में कोई चीज़ रखी है, तो वो उसको इजीली एक्सेसिबल होंगी, और उसके अलावा प्ले स्टोर में देख लें आपने ऐप्स रखी हैं वो आपको कहता है जनाब मुझे अलाउ कर दें कि जनाब ये चीज़ों की एक्सेस, तो वो जैसे जैसे आप अलाउ आप ना करें तो वो ज़बरदस्ती नहीं कि वो खुद ही चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, ये है एड्रेस वो चीज़ें वेरीफाई करते हैं। ले जी इधर भी इसको कंट्रोल एस करें या ना करें, वैसे कर ही दें, इधर ही कहीं रखने का भी काम आएगी, चलें बस हो गया काम। इसको क्या करना है, इसको असिंक अवेट बना दें, इसको अवेट कर दें और इसे वेरिएबल में स्टोर कर लें रिजल्ट के अंदर, और इस रिजल्ट को जेसन में कन्वर्ट कर दें यहाँ पे। हाँ जी रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेस लें, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में वैसे देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आपका अपडेट हो रहा है, यहाँ पे लिखें अपडेटेड रिजल्ट और यहाँ पे आप कर दें कॉमा करके रिजल्ट, बाद में देखेंगे कि जब डाटा अपडेट हो जाए इसको किसी जगह नेविगेट करवाना भी है या नहीं, फिलहाल अभी पहले ये वाला काम तो करें ना। ओके इधर आए,
यहाँ पे मैं यूजर में आता हूँ, कंसोल पे, कंसोल। यार ये कंसोल भी हमने गलत ही खोल लिया वैसे। अच्छा इनके ब्राउजर में ना मसला रहता ही रहता है हमेशा। इसको बंद कर दें फिर, ये ले इंस्पेक्ट में जाएं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ किसी एक रिकॉर्ड पे, इसको मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ, क्लियर अपडेट में अली भी चले, पहला रिकॉर्ड है, ज़रा समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली का ए कैपिटल कर देता हूँ, अली इमरान कर दिया, लाहौर की जगह मैं कर देता हूँ जनाब 79H मॉडल टाउन, और अली इमरान, अली हाइफन अंडर डॉट इमरान डालें। दो तीन प्रॉपर्टी मैंने अपडेट कर दी। मैं इस पे जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता हूँ, डाटा आया था और आके गायब हो गया। आपने शायद गौर किया हो, आया था और आते ही गायब हो गया। वो क्यों होता है, वो पेज रीलोड होता है, उसको आपको पता होगा रोकने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का मेथड होता है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अदरवाइज वैसे आप इसका एक और भी तरीका है, आप देखें क्या डेटाबेस में अपडेट हुआ है। ये पहले तो ये देखें क्या डेटाबेस में अपडेट हो चुका है, रिफ्रेश करें, इधर आए, नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें हमने कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ दिया है। इसको इधर आए इस साइड पे, यहाँ पे इवेंट पास कर लें, इवेंट इवेंट ई खाली कर लें, इतना शॉर्ट क्यों कर लें, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मुझे डाटा सारा मिल रहा है, इज इट पॉसिबल, पहले ये तो चेक करें ना, वैसे इनको चेक कर लेते हैं सबको यहाँ से, कॉपी पेस्ट कंट्रोल एस। मैंने जब अपडेट पे क्लिक किया ये तो गेट आ गया, चलो इसकी तो खैर है। जी सर हुकम,
इधर ठीक है, ओके। हाँ जी सुमान साहब कर दिया आवाज, ओके जी। अच्छा जी ये देखें इधर आ जाओ मोंगो टीवी में, इसको चेक कर ले, अली को अपडेट किया हमने, रिफ्रेश करें। हाँ, रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं हो रहा? हेडर्स है, हमने इधर हेडर लिखा हुआ है। वैसे यार इससे मसला तो कोई नहीं बनना चाहिए हेडर से। चलो खैर हमने एड्रेस कर दिया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, तो इसको भी खत्म कर दे। इधर आपका रिकॉर्ड आ तो रहा था लेकिन यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट नहीं हो रहा, दोबारा देख लेते हैं। अपडेट्स यूजर किया मैंने, अपडेट यूजर को मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ कोई पता नहीं, इसको नाम स्पेलिंग ठीक कर लें। अपडेट यूजर कॉपी पेस्ट ऑन क्लिक, पेज अब क्लिक करें तो अपडेट रिकॉर्ड हो जाए। अपडेट पे जाएगा तो फंक्शन चल जाएगा, फंक्शन पे जाएगा तो ये पैरम डॉट आई डी यूजर अपडेट यूजर, ठीक है। पेरेंट्स ठीक है, वेट आ गया। चलो इसको ऐसा करते हैं जब वो हो जाए तो इसको नेविगेट करवा लेते हैं, नेविगेट बना हुआ है तो इसको मैं कहता हूँ कर दो जनाब आप नेविगेट इफ रिजल्ट, अगर तो रिजल्ट अपडेट हो चुका है तो आप क्या करो नेविगेट कर जो कहाँ पे, इसी पाथ में जहाँ पे यूजर्स की लिस्ट पड़ी हुई है, इस पाथ पे यूजर्स यूजर्स। लो अब दोबारा इसको चेक करते हैं, वैसे ठीक है चेक कर लेते हैं दोबारा, ओके कंट्रोल एस, इसको क्लियर करते हैं, रिकॉर्ड को किसी और को असलम को ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं असलम अली, चलो कराची नहीं असलम अली कर लेंगे यहाँ पे असलम अली, अपडेट करें। हो गया भाई ये देखिए डेटाबेस में भी देख लें, हो गया ये तो। अब देखें जी अब कोई भी हसन का, मैं पहले कोई स्पेलिंग स्पूलिंग ठीक करता हूँ, देखें हसन को पकड़ते हैं, हसन का मैं करता हूँ कैपिटल हसन कामरा, और यहाँ पे कर देते हैं जनाब 19 न्यू मुस्लिम टाउन। चलो आप पता चले ना मेजर चेंजेस हम कर रहे हैं, हसन कामरान और पासवर्ड एडमिन स्टार डॉलर साइन स्टार, इसको मैं अपडेट करता हूँ। ये देखो हसन कामरान, एड्रेस बदल गया, ईमेल बदल गया और पासवर्ड बदल गया, और इधर अगर आपके देखें तो आपके डेटाबेस में भी ये आपके वाला काम हो चुका होना है, ये देखें ये वाला। तो आप सम अप करें तो आपका करंट बेसिक ऑपरेशन कंप्लीट यहाँ पे होता है, हमने डाटा ऐड किया, उसको निकाला, उसको डिलीट किया, अपडेट के लिए हमने 4 डिफरेंट एपीआई लिखी, अब चारों की चारों आपके ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चारों के अंदर हम फर्दर इन्हांसमेंट करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की चीजें करेंगे। यार एक पता नहीं कौन फरमान कह रहा था यूनिवर्सिटी का मसला आ रहा है, होगी शुरू यूनिवर्सिटी उसकी। ये आपके स्टार्टिंग डेट क्या थी इस कोर्स की? 27 मार्च। काउंट करें हाँ कब तक बनेगा ये,
27 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अब ये इसी आखिरी महीने में ही इसी महीने खत्म हो जाएगा। और यार अभी तो क्लास में हुई कितनी वैसे हमारी। अच्छा जी कल थोड़ा सा ना इस चीज पे खुद काम करके आए, फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको अब इसकी जरा तय है और तय दर तय इसको ओपन करते हैं ताकि अगर अचानक भी मुझे पता चले कि कल 27 तारीख है तो बेसिक ये ना हो कि आपका फंक्शनैलिटी कंप्लीट ना हुई हो। मतलब अब तक मैं इतना सेटिस्फाई हूँ कि हमने डाटा निकालना अपडेट करना सीख लिया। अब इस दौरान हम करते करते टाइम गुजर भी जाए तो मसला कोई नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट इसमें अब थोड़ी थोड़ी फीचर्स ऐड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यूआई वाली साइड पे आता हूँ, यहाँ पे इधर इधर मैं एक कोई सर्च लिस्ट बना देते हैं। अक्सर आपने ई कॉमर्स पे देखा होगा कि आप प्रोडक्ट पे सर्च कर लें या टॉपर पे कोई सर्च बनी होती है। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर में बनाना है तो मैं यूजर लिस्ट के अंदर चला जाता हूँ, टेबल के अंदर जो कंटेनर बना हुआ है अगर मैं यहाँ पे सर्च बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, टेबल कंटेनर से ऊपर लिस्ट ऑफ यूजर के नीचे बने यहाँ पे। ओके जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इनपुट टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर दे दें सर्च डेटा, कुछ भी चीज सर्च करें कंट्रोल एस लेकिन इसके अंदर अब हम सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे ना वो लाइव सर्च होगी, देखा नहीं साथ साथ वो फिल्टर होती रहती है नीचे चीजें, जैसे ही सर्च करें वो नीचे नीचे साथ सर्च होता रहे। इसका ना वो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्लास नेम देके सर्च इनपुट कॉपी करके, अभी लहदा लिखने का टाइम नहीं इधर ही लगा देते हैं इसको, डॉट बैकग्राउंड बदल के देखते हैं क्या ये इफेक्ट भी हो रही है कि नहीं उस पर हो रही है। ओके यहाँ पे उसको मैं दे देता हूँ मार्जिन चारों तरफ से 20 पिक्सल। ओके इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 400 कर दें, ठीक है हाइट भी बढ़ा दें 75 पिक्सल, बहुत ही ज़्यादा होगी चलो ये ठीक है कुछ हद तक। और इसका जो बॉर्डर का है बॉर्डर हाइफन कलर कर दूं, अगर मैं इसको मेरे जेन में असल में आ रहा है प्राइमरी जैसा को हो जाए ना ब्लू तो उधर एक अच्छा फैंसी लुक बन जाएगी इसकी। यहाँ पे चलो उससे मिलता जुलता तो हो गया मार्जिन लेफ्ट में पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। अगर आगे से स्टार्ट होगा और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 12 पिक्सल कर दें, कम ही है 12 तो 16 कर दें ठीक होगा। चलो अब यहाँ पे जैसे ही आप देखें ना ए प्रेस करेंगे तो ए के नीचे जितना भी डाटा है ना वो फिल्टर हो जाएगा, चाहे वो इस कॉलम में है चाहे वो इस कॉलम में है चाहे इस कॉलम में है चाहे इस कॉलम में, यानी ये अब तक की समझ लें आपकी सबसे पावरफुल मेथड होगा सर्च करने का। आप एक सर्च बॉक्स के थ्रू अपने पेज पे कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अब सारा काम करना है। सो जब आपने यहाँ पे काम करना है तो इसके लिए आपने मेथड भी पढ़े होंगे, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे फिलहाल मेथड अपना बना के रख लेते हैं ऑन चेंज सर्च डाटा और इस पे फिलहाल के लिए अभी इधर ही कोई लहदा फंक्शन बना देते हैं कॉन्स्ट ऑन चेंज, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक इवेंट और यहाँ पे मैं लेता हूँ
इसको नाम दे देते हैं जी, चलो वैल्यू में दे रहे हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है इसके अंदर। कंसोल पे जाएं, क्लियर करें, हेलो ये चलो इधर मिलना स्टार्ट हो गया। बस फंक्शन हमने इतना लिख के इसको एक दफा इंटीग्रेट करके रख दिया। अब यहाँ से आप कल स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी बैकएंड एपीआई लिखेंगे फिर फ्रंट एंड इसकी एपीआई लिखेंगे। बॉर्डर अभी भी जीव पे लग रहा है वैसे, चलो क्या कर सकते हैं। बॉर्डर बॉर्डर कलर दिया मैंने आरजीबी, अच्छा। और अगर मैं बॉर्डर ही नन कर दूं फिर बॉर्डर नन, ये भी अच्छा रहता है। इसकी बैकग्राउंड कलर बदल देते हैं, पता तो चले ना ये ठीक है ना, वो अजीब सही लग रहा था। और इधर आप लिख दें साथ सर्च, यहाँ पे लिख दें सर्च, सर्च डेटा नेम ईमेल एड्रेस, हाँ यानी कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे। जो चीज सर्च करेंगे मैंने बटन के क्लिक नहीं करनी, बटन पे वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो, जैसे जैसे मैं की प्रेस करूं, जैसे मैं एम यू लिखूं तो मुल्तान एम यू से रेलेवेंट जिन जिस जिस कॉलम में जो जो चीजें आ रही हैं वो बहुत बहुत नीचे फिल्टर हो जाएं। ये वाला काम करना है आपका, क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए बैकएंड पे एपीआई बना के रख देते हैं अभी फिलहाल, जगह बना देते हैं ताकि कल हमें काम करने में आसानी हो। इधर आके हम यहाँ पे हमने अब करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपने डाटा गेट करना है, तो सर्चिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स या क्यूरी उसको कह सकते हैं या कीज कह सकते हैं। गेट करना डाटा तो ऐप डॉट गेट आएगा मेथड, और यहाँ पे आप राउट बना दें सर्च, उसके डायनेमिक कोई ना कोई की पास करनी पड़ेगी आपको। ये की हम बनाएंगे, जो पैरामीटर में आपका मेथड आएगा वो आपको मिलेगा सारा अजवा खुद। देखें जो भी पैरामीटर में आपका पास होगा तो उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे फ्रंट एंड पे, यहाँ पे इस जगह पे जो भी इसका मेथड बनाएंगे ना वो इस पैरामीटर के बाद यहाँ पे वो की पास कर देंगे। फिर वो की उठाएंगे यहाँ से, इधर से वो वाली की फर्ज करें यहाँ पे मैंने सर्च किया लाहौर, ये की उठा के मैं इस डाटा से कंपेयर करूंगा, पैरामीटर में से की उठाऊंगा और अपने अवेलेबल पेज में उसको सर्च करूंगा, जहां पे वो मैच कर जाए वो साथ साथ वो डाटा मैं फिल्टर करता रहूंगा। ये वाला एक्चुअल सिनेरियो होगा कल आपका, इस पे आप अपने तौर पे काम कर सकते हैं अगर कोई करना चाहता है। वैसे पता नहीं मेरा टाइम शॉर्ट था मैंने आपको नहीं करवाया, यूआरएल पैरामीटर क्यूरी सर्च मैंने आपको नहीं करवाई गूगल जी में नहीं करवाई क्योंकि टाइम नहीं था। मिसाल के तौर पर देखें मैं बुक्स लिखता हूँ, ये देखें ये चीज जरा गौर करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये काफी टेक्निक मजे की होती है। ये देखिए ये एक क्यूरी में वो वर्ड स्टोर हो जाता है, ये क्यू उसने खुद रखा हुआ है जिसको मैंने की रखा हुआ है। ये मैं वैसे अपने बैचेस में ये वाला करवाता हूँ कि जब आप कोई चीज सर्च करें ना तो वो उठ के पैरामीटर में आ जाए उसका, क्योंकि फायदा होता है ना। आपने यही दो चार चीजें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन में थोड़ी सी जरा जान डालती हैं, उसमें काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी अच्छी बना देती हैं। अगर आपको डाटा ही फिल्टर नहीं करना आता तो ई कॉमर्स पे अगर आपने कल को स्टोर बनाने हैं या एलएमएस सिस्टम बनाने हैं उस पर हर सेकंड फीचर ही यही होती है, आपने कभी डाटा सर्च करना है, कभी सॉर्ट करना है, कभी फिल्टर करना है। बाकी काम आप ऑलमोस्ट सारा कर चुके हैं जो बेसिक फंक्शनैलिटी है,
अब उसके अंदर जिद्दत पैदा करनी है। तो ये वाला काम अब आपका स्टार्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बैकएंड की एपीआई लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे बैकएंड के लिए हमने मेरा जगह बना के रख दी है, यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पांस कर लेते हैं। ये ले इधर कल हम अपनी कल लॉजिक लिखेंगे सारी। रिक्वेस्ट और रिस्पांस ई के अंदर अब आपको लेना पड़ेगा डाटा सारा। फिलहाल अभी इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे। हेलो यहाँ पे आप कोई भी की पास करेंगे, यहाँ पे पोस्टमैन पे आए, यहाँ पे इधर आप कोई भी की पास करेंगे इसको, यहाँ पे मेथड तो गेट ही रहेगा। यहाँ पे मैं कोई भी की यहाँ पे लिखता हूँ सर्च और की पास कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे लाहौर पास कर देता हूँ। और इसको जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे हम, कल अपनी सारी लॉजिक लिखेंगे। इसके लिए ऑपरेटर होता है, इसके लिए ना मेथड होता है एक और का मेथड, और वो पढ़ लीजिएगा डॉलर साइन के साथ ना और होता है, डॉलर साइन और इन मोंगोडीबी, ये कल पढ़ के आए। और मल्टीपल चीजों में से कोई एक चीज आप निकालना चाहें और ऑपरेटर, ये देखो ये कल आप पढ़ के। और ऑपरेटर क्या करता है आपने देखें, जो भी कोई चीज सर्च करनी है ना वो इन्हीं चारों कॉलम्स में से ही एक होगी। हो सकता है यूजर नाम में से कोई चीज यहाँ पे हो सकता है वो ए एल टाइप करे, तो ए एल आपको इस कॉलम में मिल जाए, हो सकता है इस कॉलम में मिल जाए, इस कॉलम में मिल जाए। आपने चारों कॉलम्स में ए एल ढूंढना है। अगर आप स्पेसिफिक नेम में ढूंढना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं, चारों में इकट्ठा ढूंढना चाहते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं। ये और ऑपरेटर वहां पे काम होगा कि आप मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक भी चीज चूज करना चाहते हैं तो तब आप उसमें से कर सकते हैं। हेलो और ऑपरेटर को पढ़ के आए काइंडली, मुझे कहते हैं मैं तो अभी करवा देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफा उसको स्टडी करके आए, क्योंकि आज आपको एक एपी आपकी कंप्लीट हो गई है अपडेट वाली। अब और ऑपरेटर आपने लगाना है, देखिए मल्टीपल ऑप्शन होंगी यहाँ पे आप अपनी बेसिकली ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये कुछ इस तरह आपका काम होगा। मैं आपको जाते जाते हिंट देता हूँ, आप अगर इसमें से, क्योंकि नेट पे हो सकता है इतना आसानी से आपको डाटा ना मिले। ये आप जब फाइंड करेंगे ना अपना डाटा, आपका यूजर है, यूजर में आपने करना है डॉट फाइंड, फाइंड
फाइंड का जब आपकी ब्रैकेट्स लगेंगी ये वाली ब्रैकेट तो आ जाएगी नीचे इस तरह इधर। फाइंड क्या करना आपने, नाम, नाम आपको किस तरह मिलेगा, यहाँ पे उसका मेथड होता है डॉलर साइन के साथ रेजिक्स, रेजिक्स के मेथड के अंदर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट की जो आपने अभी पास किए, ये वाला तरीका कार होगा जनाब। ये दूसरी अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है तो उसके लिए उसकी अलहदा की हो जाएगी, की तो आपकी वही रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी आपको अलग बनानी पड़ेगी एक अलग ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे अब नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ये मैं आपको तसल्ली से उसका गाइड करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट वो भी की में मुझे मिल जाएगा, ईमेल है, पासवर्ड कर लें या क्या कर रहे हैं, Alt-A-I-A। अच्छा वो टेबल को बना हुआ है इसलिए वो रोज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस तरह होगा जी, नेम, ईमेल, एड्रेस, पासवर्ड, ये वैसे सारा फंक्शन ही मैंने लिख दिया, वैसे पूरी की पूरी एपीआई लिख दी है मैंने। इसमें से जो चीज मैच करेगी उसे हम फिल्टर करा देंगे क्लाइंट साइड पे, यहाँ पे इधर आके हम फिल्टर करवा देंगे। ये बैकएंड की एपीआई लिखी गई है आपकी, टोटल बैकएंड की एपीआई यही है, मैंने लिख भी दी है, समझे ये यही होगा। वो फिर क्लाइंट साइड पे भी इसको इंटीग्रेट भी कराना है ना, वो कोई नहीं हमारे पास देना है पूरा, एक मैं एक दिन में ना एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ, अगर उसमें अधूरा नहीं रहता, वो ये नहीं कि आपने आधा काम किया आधा छोड़ दें। अब इसको करवाएंगे आपको हो सकता है इसमें कई नई चीजें मैं गाइड करूँ कि ये की, ये रिजेक्ट्स का क्या मतलब है, ये पैरामीटर से की मिल कैसे रही है, होना वैसे ये चाहिए था कि आपको ये वाला काम रिएक्ट के अंदर पढ़ लेना चाहिए था, ये वाला काम आपको रिएक्ट के अंदर पढ़ लेना चाहिए था कि पैरामीटर में सिक्योरी कैसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, खैर आपको थोड़ा जितनी हम टाइम है आपको ना कुछ इसको यूटिलाइज कर लेंगे, कोड में शेयर कर देता है। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है आप डेटाबेस के अंदर अब अपना एक कंप्लीट ऑपरेशन कर सकते हैं, आप जितने मर्जी काम कर लें, स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है वो कर लें, कोर्स का डाटा ऐड करना है, फी का डाटा ऐड करना है, एम्प्लॉइज का डाटा ऐड करना है, उसके साथ चारों की चारों ऑपरेशन हो गए हैं, अकाउंट्स का डाटा है आपके, एचआर का डाटा है, सेल डिपार्टमेंट का डाटा है, उसमें ऑपरेशन यही रहेंगे चारों, डाटा सेव करना, निकालना, डिलीट करना, अपडेट करना। आप ये देखें ये चार आपको लगता है कि छोटी सी चीजें हैं, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे चारों ऑपरेशन यही होंगे। हाँ इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि जब आप डाटा स्टोर कर रहे हैं तब उसका सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाएगा, डाटा स्टोर करते हुए किन किन चीज़ों को आपने डाटा में भेजना है, कौन सी चीज़ें डाटा में नहीं भेजनी। एक लेक्चर के बाद ही आप लोगों का सर दर्द करना शुरू हो गया सुबह सुबह। और अगर टाइम मिले
तो आपने पासवर्ड के बीक्रिप्ट मेथड को भी पढ़ लीजिए, अगर हमें एंड पे टाइम मिल गया तो पासवर्ड को बीक्रिप्ट कैसे करना है ये भी देख लीजिएगा। पासवर्ड को हैश करना, उसको कहते हैं बीक्रिप्ट, बीक्रिप्ट एनपीएम, ये देख लीजिएगा। इसकी लाइब्रेरी है ये पासवर्ड को, ताकि कोई बंदा आइडेंटिफाई ना कर सके, चोरी ना हो सके पासवर्ड, और इसको इजीली डिकोड ना किया जा सके। इसलिए पासवर्ड को हमें एक अननाउन स्ट्रिंग में, देखें इस तरह हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, देखें एक अजीबोगरीब सी स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उसको डिकोड ना किया जा सके। इसको हैशिंग कहते हैं, पासवर्ड को हैश करना। ये देख लीजिएगा, हल्का फुल्का इसको टच कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्यूरी का टॉपिक आपका हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। और ये इतना भी सीख लें काफी है, क्रड फंक्शनैलिटी भी आती है, तो आपको मिड लेवल की एंट्री की जॉब मिल जाती है। मैनिपुलेशन भी डाटा को आप कर सकते हैं ना, लेकिन रिएक्ट पे एटलीस्ट आपकी कमांड फिट होनी चाहिए। और आपने मुझे कल का दिन छोड़ के, यानी वेंसडे को, आपने ये चारों चीजें अपने प्रोजेक्ट में मुझे इम्प्लीमेंटेड दिखानी है, क्योंकि हो सकता है आपका जिस दिन कोर्स खत्म हो उसके वेरी नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट हो जाएगी, आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं, क्योंकि 4 से 5 अक्टूबर को प्रोजेक्ट का हमारा डिस्प्ले आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसी में ही आपका साथ हो जाए। आगे अक्टूबर में हमारी ग्रैंड सेरेमनी आएगी, मतलब सही मुल्क के लेवल पे ना काफ़ी ग्रैंड सेरेमनी होती है, उसमें पॉलिटिशियन, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट फिर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर 6 माह वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 दफ़ा वो इवेंट होता है, बड़े ग्रैंड लेवल का इवेंट होता है, उसमें मीडिया वगैरह काफ़ी, आपने अगर पास्ट देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो करवाते हैं। उसके लिए ज़रूरी कि आप लोगों का अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होना चाहिए, साथ साथ करते रहे। मेरा ख्याल सिंपल सा काम है, अब देखें आपने आज एडिट पढ़ा है, कितना काम है एडिट, अगर आपको आता हो 5 मिनट भी नहीं लगते टोटल, चलो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे लग जाएंगे। मैं चारों की चारों अगर क्रैड ऑपरेशन लिख रहे हैं ना, अगर आपको आते हो तो 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, और थोड़ा सा स्लो करें 2 घंटे लगे, चारों की चारों क्रैड ऑपरेशन, और उसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बन जाती है। यानी ये देखें, हमने काम आज जल्दी भी काम किया, लेकिन फिर भी हमारा डाटा रिस्पॉन्सिव है, हमने जल्दबाजी में भी किया है, इसका थोड़ा सा कंटेनर नहीं लगाया, बाकी ये देख लें। काम आपको चारों की चारों आपके जो ऑपरेशंस है ना, आप डेली, ये आप जहन में ना रखें कि आप जब टाइम मिलेगा एंड पे इकट्ठा कर लेंगे, वो जहन से निकाल दें, फिर कोडिंग समझ नहीं आनी, क्योंकि अगर आप एंड पे जाके चारों ऑपरेशन करेंगे तो वो बिल्कुल समझ नहीं आनी, वो इकट्ठा हो जाएगा डाटा, तब तक आपके माइंड से काफी ज्यादा टॉपिक्स गायब हो जाएंगे। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बेसिक लूप में भी मसले आएंगे, उसका बेहतरीन हल होता है कि साथ साथ अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करें। जो काम आपने खुद किया होता है ना, अगर आप उसको 6 माह बाद भी देखें ना, तो वो बंदे को समझ आ जाती है, अच्छा ये उस वक्त मैंने इस तरह काम किया था, बशर्ते के कोड आपने खुद लिखा हो। इससे बेहतर यही एक सोल्यूशन होता है कि आप साथ साथ करते रहें। कल आप उसको पढ़ के आए सर्च पैरामीटर्स को, और ऑपरेटर्स क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको देता है। अच्छा ये एक चीज है, महज आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसकी बिना पे आप कई फैसले कर सकते हैं। और ऑपरेटर ये भी मेथड है इसका, मोंगोडीबी का,
वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ये टोटल यही कल एपीआई में इसी तरह उठा के उधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इसको तो सेव ही कर लेते हैं, टाइम कल बचा लेंगे। ये ले, और की ये वाली थी, ये जो की दे रहा हूं मैं ये वाली की है बेसिकली, ये वाली यहां से उठाएं और इधर भेज दें, और ये उड़ा रहे, और यहाँ लिख दें इसको एसिंक अवेट करके डाटा लेट डाटा में स्टोर करके अवेट कर दें इज इक्वल टू अवेट एसिंक, और रिजल्ट इसके हवाले कर दें जनाब रिस्पॉन्स डॉट सेंड डाटा। लो जी पूरी बैकएंड एपीआई भी लिखी गई है, यही पूरी की पूरी बैकएंड एग्जैक्टली यही होगी। ये की आपको यहां से मिलेगी, जो यूजर सर्च करेगा पैरामीटर में चली जाएगी, पैरामीटर्स में से उठा के हम इसमें से ये रेजिक्स के मेथड में इसको डाल देंगे। ये अभी इसका बिल्ट इन मेथड है, इससे वो चीजों को आपस में कंपेयर करता है। आप सिर्फ और ऑपरेटर पढ़ लें आपको वैसे ही सारी समझ आ जाएगी, और ऑपरेटर ये वाला। ये गूगल ने यही वाली टेक्निक यूज की हुई है, जब आप चीजें सर्च करते हैं ना, ये देखें ये गूगल भी यही वाली टेक्निक, ये मैंने बीक्रिप्ट एनपीएम लिखा है ना, ये देखें ये कॉपी करें, ये समझ लो बड़े बड़े जितने भी सर्च इंजन है ना फेसबुक वगैरह, वो यही यूज करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने की रखा हुआ है, जी आज का सिर्फ अपडेट की हद तक, आपको एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अपडेट की हद तक। मोंगो डीबी के 8-10 ऑपरेशन आप थोड़े से याद कर लें, डाटा स्टोर करना, डाटा निकालना, फाइंड करना, फाइंड ज्यादा को डिलीट करना, या कुछ चीज आपने फिल्टर करनी है, वो तकरीबन 8-10 मेथड है। देखिए मोंगो डीबी भी आप वो तीन वाला लगाने का कोई फायदा नहीं, आपको इतनी मोंगो डीबी आनी चाहिए कि आप अपने कंपनी के अंदर एज ए डेवलपर अपने प्राइस पूरे कर सकें। लिहाजा डेटा बेस सीखना चाहते हैं तो उस पर वैसे 6 माह लग सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल डीबीए बनना चाहते हैं तो, आप प्रोफेशनल डीबीए वाली साइड पे तो जाना नहीं चाह रहे, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं तो जितना आपको आना चाहिए वो बेसिक यही वाली चीज़ें। हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम ओबियसली वो चीज़ें आगे एग्रीगेशन आ जाएगी, पाइपिंग आती है, पाइपलाइनिंग आती है, आगे रेफरेंस बेस्ड है डिफरेंट डेटा बेसिस को, जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं टेबल के, इसमें रेफरेंस बनते हैं डिफरेंट मल्टीपल टेबल्स को आपस में इंटरलिंक किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। अभी आपको उन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ें आपको आनी चाहिए एग्रीगेशन के मेथड्स, फिल्टर और क्राउड ऑपरेशन, और बैक एंड पे आपको हैशिंग टेक्निक्स पता हों, और उसके अलावा आप इमेजेस को अपलोड वगैरह कर सकें और टोकन लगा सकें। एक टोकन का टाइम मिल गया तो ये फेसबुक ने भी लगाया हुआ JWT, सबसे सिक्योर मेथड है टोकन ऑथेंटिकेशन। ये जब फेसबुक में आप लोग लॉगिन करते हैं तो ये वाली वो टेक्निक के साथ काम करते हैं, JWT टोकन ऑथेंटिकेशन। ये अब तक की सबसे दुनिया की सबसे सिक्योर ऑथेंटिकेशन है, इसको मतलब डीकोड करना या इसको क्रैक करना वो कहते हैं काफी इम्पॉसिबल है, अदरवाइज फेसबुक की काफी ज्यादा फीचर कब की हैक हो जाती। इसको एंड पे रखेंगे, जब आपको बेसिक बी क्रिप आपके मेथड्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे एंड पे एक टॉपिक में, इसको भी 2-3 दिन लगेंगे, वो एक 2-3 दिन की क्लास का कोई एक वीक निकाल लेंगे देख लेंगे उस पर, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो एटलीस्ट आपकी कवर होनी चाहिए। जी ऑनलाइन कौन कौन बैठा हुआ है, फरमान उस्मान तैयब जी, तैयब फरमान उस्मान को मसला है तो पूछ सकते हैं आप लोगों में, किसी की यूनिवर्सिटी का तो नहीं मसला अभी? अब पता नहीं, मैंने तो उसको कहा था कि यूनिवर्सिटी में क्या करना है जाके, वो 1-2 महीना मतलब यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ओके जी, मैं
चलें जी स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह।